हमारे सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम, जय माता दी। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, मतलब सरकारी नौकरी के योग, प्रशासनिक सेवा के योग, सिविल सेवाओं के योग, किस प्रकार हम अपनी कुंडली में आईएएस आईपीएस बनने के योग को देखें, इस चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। और हमें साथ में अपनी कुंडली में देखना है कि क्या इस कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो वो क्या मजबूती से बन रहे हैं या आंशिक बन रहे हैं। साथ में हमें पाप ग्रह के दृष्टि को भी देखना है, उसकी युति को भी देख रहा हूं कि अर्थात हमारे योग बन रहे हैं परंतु किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है या युति तो नहीं है उसके साथ। अब हमें समझना है कि क्या ऐसे योग है या नहीं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब हमें इसका जवाब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे दें। ज्योतिष शास्त्र में इस योग के बहुत सारे सूत्र लिखे हैं, इन्हीं में से कुछ प्रमुख सूत्र, दो तीन सूत्र मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से विवाह योग, लव मैरिज योग, विदेश योग, संतान योग इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई है और आगे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली नई नई जानकारियां आपको समय पर मिल जाया करेगी। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस योग की। आप ऐसे देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक कुंडली आ रही होगी, ये हमारी काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। जो आपको घर दिख रहे होंगे 1 से 12 घर, इसी प्रकार हमारी कुंडली या हमारी लग्न कुंडली होती है। हमें अपने लग्न कुंडली को ही देखना है, कहे कि लग्न कुंडली हमारा जो संबंध बनता है वो हमारे जीवन से बनता है, हमारे जीवन के पाठ है वो, इसीलिए हमें अपने लग्न कुंडली को ही देखनी चाहिए। या 1 से लेकर प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक लिखा हुआ है। साथ में इसके ऊपर आप देख रहे होंगे नंबर 1 से लेकर 12 तक का नंबर लिखा हुआ, उसके बगल में राशियों के नाम लिखे हुए और उसके बगल में उनके स्वामी के नाम लिखे हुए। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के लग्न पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मेष राशि हुई, इसके जो स्वामी हो गए वो मंगल हो गए। उसी प्रकार यदि हमारी कुंडली में यदि पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ होता है तो वो हमारी वृषभ राशि हो जाती है और उसके स्वामी हो जाते हैं आपको शुक्र। इसी तरह आपको अपनी कुंडली के लग्न में देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ। यदि 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध हो गए। 4 नंबर लिखा हुआ तो कर्क राशि, उसके स्वामी चंद्रमा हो गए। 5 लिखा हुआ हो तो सिंह राशि, उसके स्वामी सिंह सूर्य हो गए। 6 लिखा हुआ तो कन्या राशि बुध, 7 है तो तुला राशि शुक्र, 8 है वृश्चिक राशि मंगल, 9 है धनु राशि आपको गुरु, 10 है और 11 लिखा हुआ तो मतलब मकर और कुंभ राशि, इसके स्वामी आपके हो जाते हैं शनि महाराज। और यदि 12 लिखा हुआ रहता है आपको कहीं भी आपकी कुंडली में, समझ जाइए वो मीन राशि हो गया, उसके स्वामी हो जाते हैं गुरु। अब हमें देखना है कि क्या हमारी कुंडली में प्रशासनिक योग, सिविल सेवा के योग, सरकारी नौकरी के योग, उच्च पद पर आसीन योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसे हम लोग कैसे समझें। सबसे पहले हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तथा चंद्रमा को राजा या प्रशासन से संबंध रखने वाले ग्रह के रूप में माना जाता है। यदि हमारे सूर्य तथा चंद्रमा या सूर्य या चंद्रमा लग्न में धन भाव अर्थात दूसरे घर में, चतुर्थ भाव या कर्म भाव अर्थात 10वें घर
से संबंध या उनके स्वामियों से संबंध बनाए तो हम इसे सरकारी नौकरी का योग दर्शाया जाता है। सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है चंद्रमा ग्रह से अधिक रहता है। उसी प्रकार हमें अपने कुंडली में देखना चाहिए कि चंद्रमा यदि दसवें भाव पर दृष्टि डाले या दशमेश से किसी प्रकार की भी युति बनाता है तो यह सरकारी योग में सरकारी नौकरी के योग में सफलता को दर्शाता है। यद्यपि चंद्रमा चंचल एवं अस्थिर ग्रह है जिसके कारण कभी कभी जातक को सरकारी नौकरियां पाने में परेशानियां होती है, यदि ऐसे जातक नौकरी पा भी लेते हैं तो उन्हें या तो नौकरी में बदलाव या परिवर्तन साथ साथ देखने पड़ते हैं। उस स्थिति में हमें शनि को भी देखना चाहिए ताकि शनि हमारे स्थिरता के कारक होते हैं। शनि जहां भी दृष्टि डालते हैं उस चीज को स्थिर करते हैं, रोकते हैं, या यदि बदलाव आपके जीवन में नौकरी में आ रहा है तो उसे वो डिले करते हैं। साथ में यदि परिवर्तन योग भी बता रहा है कि आपका परिवर्तन जो भी इस जगह से फल्ले जगह होने जा रहा है उसमें भी वो डिले करते हैं, स्थिरता लाते हैं। अब हमारे कुंडली में लग्न में जो ग्रह बैठे हुए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। यदि हमारे कुंडली के लग्न में सूर्य या चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक जो प्रशासन शासन के द्वारा ही अपने जीविकोपार्जन मतलब अपने जो व्यवसाय है, अपने जो खान पान है, नौकरी है, उसके द्वारा ही करते हैं। और यदि एक और सूत्र है, यदि चंद्रमा हमारे किस कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में हो और साथ में यदि वो बलवान होते हैं और साथ में यदि छठे घर के साथ भी संबंध बनाते हैं तो ऐसा योग सरकारी सेवा का योग कहलाता है। इसी प्रकार हमें अपनी कुंडली को देखना चाहिए, चंद्रमा की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है। साथ में एक और सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मंगल दसवें घर में आपकी कुंडली में विराजमान हो तो मंगल भी दसवें घर में दिग्बली होते हैं और किसी भी प्रकार से यदि सूर्य या चंद्रमा से यदि उनकी संबंध बन जाए तो ऐसे जातक भी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, सिविल सेवाओं में सक्सेस होते हैं, सरकारी नौकरी पाते हैं। दोस्तों हमें आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।